आईएमसी जो है और आगे बढ़ाओ एक पौधा देता है आपको एक वृक्ष देता है और वो वृक्ष वृक्ष ऐसा ऐसा है है कि दुनिया का पहला जिसमें एक पेड़ होता है पानी एक ही बार देना पड़ता है लेकिन जीवन भर फल आता है और एक तरह का फल नहीं आता है वर्ल्ड का पहला ऐसा वृक्ष है कि पेड़ तो एक है लेकिन आम भी आता है लीची भी आता है जामुन भी आता है सब कुछ आता है एक बार मैं चाहूंगा इस वृक्ष के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और कहीं भी लग जाता है हर व्यक्ति को मिला है लोगों का जीवन बदलने का काम आप इस दुनिया में आए हैं इस जिस बिजनेस में आए हैं ऐसा काम इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है तीस करोड़ लोग को आज लात मार के भगाया गया है लात मार के गर्दन में हाथ ला के नहीं लात से मार के भगाया गया जितने एयरलाइंस कंपनियां हैं जितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं लोगों को निकाला जा रहा है और दो पीढ़ी तबाह होने वाला है कितना पीढ़ी जो आज बी में है बीस साल तक तीस साल तक जॉब नहीं मिलने वाला है जिसका एज अब तीस साल का है वो साठ साल का होगा तब कहीं हो सकता है नौकरी का उसका वैकेंसी आए कहा जाएगा वो आपके साथ वो काम करना पड़ेगा उसको और जो अभी मैट्रिक कर रहा है इंटर कर रहा है उसका भी जीवन जो है पैतालीस पचास में चला जाएगा कहां जाएगा वो आपके साथ क्या उस लायक है कैपेसिटी लेने के लिए उसको तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि उसके लिए अपने आप को तैयार करिए और लोगों का जिंदगी बदलने का काम है सबसे बड़ा का काम है मेरे दोस्त आज मनोज जी अकेले टेम्पा चलाते रिक्शा चलाते तो क्या आज छह लोग लाख लोगों का जिंदगी बदलते छे लाख का तो जिंदगी बदल ही रहे हैं साथ में पूरे डायरेक्ट सेलिंग के लोग इनको देख के मोटिवेट होते हैं कि जब रुमाल बेचने वाला व्यक्ति कुलपति बन सकता है तो मैं भी बन जाऊंगा ताली बजना चाहिए एक बार इन सबको देख के पचपन साल का व्यक्ति आज हीरो बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो मेरे, मेरे दोस्त मेरे भाई ये देने वाला काम है और दुनिया का सबसे खूबसूरत काम कर रहे हैं और इस काम के लिए आपके लिए लोग दो दुआ मांगते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी दस पलटी मारी गाड़ी ऊपर गई नीचे गिरी और गिरने के बाद मैं देखा हूं चुपचाप बैठा हूं कुछ नहीं हुआ गाड़ी हंड्रेड परसेंट खत्म चकनाचूर कुछ नहीं हुआ ते दिलो का दुआ आपको मिलता है मैं चाहूंगा कि पुण्य काम के लिए भगवान ने आपको चुना है अपने आप के लिए एक बार जबरदस्त क्लिपिंग कर लीजिए आगे लोह का देने वाला काम लोह का देने वाला काम है हम फील्ड में जब जाते हैं तो किस तरह जाते हैं लगता है कि नहीं जुड़ेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर जुड़ जाइए नहीं जुड़ेंगे तो मैं गोल्ड नहीं बनूंगा ऐसा नो मेरे मामा जी के मामा जी आपके मामा जी थे ऐसा ऐसे रिलेशन जोड़ते हैं उसके ऐसा इमोशनल काम नहीं होता है उससे प्यार से बात करें रिश्ता बनाइए कई जन्म का काम है देने वाला काम है और देने वाला का हाथ कहां पे होता है देवेंद्र जी ऊपर होता है ना तो क्यों लूजर बन के जाते हैं हम आपका हाथ ऊपर है सीना तान के जाओ ना मैं देने के लिए आया हूं और आप भिक भंगा बन के जाते हैं बोलते हैं, कि उस अपने को ले आते हैं।, बोलते हैं क्या और उसके पास चिमनी चलता है ईट का भट्टा उसके पास है पेट्रोल पंप है उसके पास अपने अपलाइन को तो नीचे गिरा देते हो उसी दिन आप कभी भी अपलाइन को प्रमोट करो कि मेरा अपलाइन से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं हीरो है वो राम जी बाबू जो है आज उनसे आराम से बात करिएगा नहीं तो बहुत दिमाग के कड़े हैं और बहुत एक्टिव लीडर हैं उनके पास टाइम ही नहीं है तो मेरे दोस्त ये लोग का जीवन बदलने का काम है देने वाला काम है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के जाओ आप अगर गंदा फटा हुआ सूज पहन के जाओगे तो कैसा महसूस होता है जोर से बोलिए घसट के चलते हो फटा हुआ चीलर वाला कपड़ा पहना दिया जाए तो कैसा लगता है बिना बुखार का बुखार हो जाएगा और आपको बीमारी है और नया गंजी नया जूता नया कपड़ा नया कोट डाल दिया जाए कैसा फीलिंग आता है ऐसे मारते हैं ऐसा घिंच के चलते हैं ऐसे तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का है खुश रहिए हमेशा आगे और एक जन्म में कई जन्म का काम पचास साल नहीं बिगाड़ना है सौ साल नहीं लगाना है पचास साल में करना चाहते हो कि पांच साल में करना चाहते हो आपको फैसला करना है एक और फल मिलता है कि पांच साल झोंक दो और पचपन साल जाके एंजॉय करो करना चाहते हैं आप इन चीजों को याद करना आप जब भी फील्ड में जाओ निगेटिव बातें आए तो इन चीजों को याद करना है नेक्स्ट और आगे और लास्ट में जिसके लिए हम लोग आए हैं सबसे बेहतरीन दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बोलना नहीं आता था टेम्पू चलाते थे रिक्शा चलाते थे क्या मंच मिलता क्या किराना दुकान चलाता था मंच मिलता क्या आज लोग सुनते क्या आज पांच पांच हजार देके लोग सुन रहे हैं हजार हजार देके सुन रहे हैं आपके पंच कला भरा हुआ है रामजी बाबू जो थे ये फ्लेट के व्यापार में थे ब्रोकर ब्रोकरिंग चाहे आपको क्या उसको बोलते थे कंडक्शन लाइन के काम करते थे लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान जानता है और आज एक एक घंटा के दो दो घंटा यहां बोल रहे हैं लोग ताली बजा रहे हैं आप हीरो बन गए तो मेरे दोस्त दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज मैं खड़ा हूं कल आप आने वाले हैं और हर एक व्यक्ति को यहां पे आना पड़ेगा इसलिए इस बिजनेस को करना है और इसलिए आपको सहना इस है पेट पालने का बिजनेस नहीं है पेट तो सला कुत्ता भी पाल लेता है और दस हजार बीस हजार तो जॉब में भी कमा लेते हैं तैयार है तो आज के बाद माइंड में कोई निगेटिव बातें डालता हो कुछ भी करता हो जब भी बाइक लेके निकलते हो जब भी पैसा का कमी होता है जब भी मजबूरी होता है जब भी लोग आपके साथ नहीं आते हैं इन आप चौदह चीजों को याद कर लेना आपके अंदर गर्मी आ जाएगा किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है